का मामला है, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है गाइस, देखने को भी डर लग रहा है गाइस, क्या बोलूँ, देखने को भी, खुद ही को बोलने को भी खराब लग रहा है। अंदर ही ड्राइवर है तो कैसे हो गया, मतलब कोई अभी तक फिलहाल जानकारी नहीं, कोई गाड़ी नहीं आगे पीछे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज मैं जा रहा हूँ गुवाहाटी। तो गाइस गुवाहाटी इसीलिए जा रहा हूँ, यहाँ हम लोग का आर्मी साहब का कुछ लोड लेके आना है। तो अभी हम फिलहाल 10:30-11 बजने वाला है, यहाँ से निकलूँगा सीधा तेजपुर। तेजपुर से हम वहाँ साहब को लेके, मतलब आर्मी बंदा को लेके, वहाँ सुबह 3:30 बजे गुवाहाटी में माल आ रहा है, तो वो लेके फिर हम सुबह तेजपुर पहुँचने वाला हूँ, सुबह मतलब काल दिन को। तो गैस इसीलिए मैं ये भाड़ा मिला है, तो चलो यार क्यों छोड़ना, चाय पत्ती का था, चाय पत्ती फेंक के आराम से आके खाना पीना खा के अभी निकलने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी जाके वो फौजी बंदा को लेके फिर जाके सुबह सामान लेके फिर आना है। तो गैस वीडियो में बने रहना, जो डिटेल्स जानकारी होगा आपको भी शेयर करूँगा। जय माता जी। दोस्तों ये वैष्णो देवी का मंदिर है, तो मैं हमेशा यहाँ पे दर्शन करता हूँ, माता जी मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो ये है विश्वकर्मा बाबा, चाहे विश्वकर्मा बाबा, देखो गैस पानी मारा था थोड़ा क्लास पे, देखिए मेरा मम्मी ने कितना अच्छे तरीके से फूल लगाया है। तो चलते हैं अभी, लगो आमा, चलो गाइस। फाइनली मुझे सार को मिल चुका है, अभी सार को लेके जाना है गुवाहाटी। गुवाहाटी से सर कितना बजे पहुंचना है? 5 o'clock पहुंचना है, 5 बजे वहाँ पे सामान बकरा आ रहा है सर का, तो फिर हम सामान वामान लेके हम फिर वापस आना है। तो गाइस वीडियो देखते रहना अंत तक, टोटली आपको। तो गाइस यहाँ पे अभी मैं डीजल डाल रहा हूँ, यहाँ पे तेल फूल करके हम लोग अभी फिर सफ़र कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी करीबन सुबह 5 बजे पहुँचना है हम लोग को। तो अभी यहाँ से तेल डाल के ताबजे तो अंदर सो रहा है, बिंदास सो रहा है, हमको गाड़ी ड्राइव करना है। तो हम आराम से निकल रहे हैं, यहाँ पे देखिए तेल भर रहा है यहाँ। तो गाइस देखिए अभी नौगांव बाईपास पार हो गया हम, करीबन अभी गुवाहाटी 122 किलोमीटर है, अभी जा रहा हूँ। यहाँ पे साफ जी सो गया है, हम धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ, आराम से जा रहा हूँ भाई, कोई टेंशन नहीं है। बारिश भी आ रहा है, देखिए टपक 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 का मामला है, जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है गाइस, देखने को भी डर लग रहा है, देखिए वाह क्या कहना है। ये कंटेनर जा रहा था गुवाहाटी से तेजपुर तरफ, तो बीच सड़क में एक्सीडेंट हुआ है, तो वो डबल रोड है, फिर भी गाइस ये एक्सीडेंट हो गया है। ना तो इसके आगे कोई गाड़ी है, ना कोई कुछ में लगा, पेड़ में लगा है। ये मुझे लग रहा है कि कोई डंपर में, डंपर खड़ा होगा बड़ा वाला, उसमें जाके इसने खुद ही मारा होगा जैसा लग रहा है, एक आइडिया। तो गाइस यहाँ पे अभी अभी फ़िलहाल एक्सीडेंट हुआ है, वहीं का लोकल बंदा 2-3 था और मैं भी पहुँचा, सोचा चलो देख के जाऊँ। तो देखने को भी खराब लग रहा है, ये वीडियो करने को भी खराब लग रहा है, क्योंकि ड्राइवर अंदर ही डेथ हो चुका है। तो गैस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि हड़बड़े ना करे, आराम से जाए तो सही सलामत जाए। देखिए टोटली डैमेज है ये गाड़ी का, कुछ भी बचा नहीं है। सोच सुन रहा हूँ कि और भी एक बंदा है अंदर, बोल के गाइस गुवाहाटी घुसते ही धमाका बारिश हो रहा है यहाँ पे, अभी गुवाहाटी घुसने वाला है, अभी और 15-20 किलोमीटर बाकी है। देखिए बारिश धमाका हो रहा है, हम लोग उधर बारिश नहीं है, अभी रात का करीबन 2-2.5 बज गया होगा, हम धीरे धीरे जा रहा है। बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं गाड़ी थोड़ा साइड करके रेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकता है बारिश बहुत ज़ोर से आ रहा है, कुछ दिखाई दे नहीं दे रहा है, तो हम गाड़ी थोड़ा साइड में करके थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं, थोड़ा बारिश कम होने से फिर हम निकलते हैं। असम का कैपिटल गुवाहाटी, गुवाहाटी फाइनली पहुँच गया, सुबह हो ही गया आते आते, जाते अभी स्टेशन की तरफ आगे चल के सीधा लेफ्ट, देखिए गुवाहाटी वो लिखा है, गुवाहाटी वेलकम टू गुवाहाटी। तो गाइस देखिए फाइनली हम लोग गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच गया, ड्राइव करते करते सुबह ही हो गया गाइस, अभी देखते हैं साहब कब आएगा, उनके सामान वन लेके फिर लोड करके निकलना है। ये हो गया गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, चलो अभी अंदर जाते, अंदर जाके उनको ढूंढना है, आया तो नहीं होगा, अभी देखते हैं। ये और ये सामान लोडिंग हो रहा है यहाँ पे, चलो खोल दूंगा रुकम, देखिए यहाँ पे सामान लोड हो रहा है, और सामान आएगा 2-3 बकेट, तो ये अभी लोड हो गया, फिर आगे जाके लोड करना है कुछ सामान।
देखिए लोड करके आराम से निकल जाना है। बहुत ही हैवी वेट है गाइस, ये मशीन है इलेक्ट्रॉनिक का, यहाँ पे भी है, बहुत ही वेट है, वो तो हिला भी नहीं सक रहा है पांच आदमी, फिर भी जैसे तैसे लोड तो करना ही पड़ेगा। बंदा लग लगे हुए है। अभी हम एयरपोर्ट का अंदर हो, साहब जी का कुछ माल लेना था, तो माल लेके हम लोग अभी निकलने वाला है। तो माल कुछ पार्सल छोटा था, छूट गया था तो फ्लाइट में भेज दिया था, अभी वो पार्सल लेके हम लोग निकलने वाला है। गुवाहाटी गोपीनाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अंदर हो, चलो अभी हम आपको ये क्या बोलता है सरायघाट ब्रिज, सरायघाट ब्रिज मिलेगा। तो गाइस ये है सरायघाट पुल, हम लोग ने गुवाहाटी छोड़ लिया, अभी तेजपुर रोड पकड़ लिया, वो वाला पूरा ब्रिज फैलेगा, ये भी नया एक साल जैसा हो गया, ये अपन ही हुआ। खाना खाने के लिए रुके हुए साहब में और एक साहब है, अभी हम लोग खाना खा के अभी यहाँ से निकलेंगे। हम लोग बैठा चारली पे खाना वाना खा के आराम से निकलेंगे, घर पहुँचते पहुँचते करीबन शाम बढ़ जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट में थोड़ा टाइम लगता, इसीलिए हम लोग को लेट हो गया, नहीं तो जल्दी होना था। चलो ठीक है, हम यहाँ एयरपोर्ट का अंदर जाएगा, अभी पास और पास बनाने का आईडी कार्ड और डीएल लेके जा रहा हूँ, तो अभी पास उस बना के अंदर जाने देगा। चलो आपको अंदर का दिखाने से देने से गाइस। तो गाइस फाइनली मैं घर आ पहुँच चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे माल लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए बहुत टाइम लगा, तो वहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था, मोबाइल सब मैं जमा करके रख के गया, वहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था तो लेके नहीं गया, वहीं पे जमा कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड सब जो था जमा करके फिर आने का टाइम में देके गया। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और भाई के लिए एक लाइक कर देना, रोज नींद से परेशान हो गाइस, देखिए हालत ख़राब है, कल रात भर आज दिन भर कहाँ कहाँ दौड़ा है यार, पता नहीं, फौजी आदमी का भाड़ा लेके जाना बहुत मुश्किल है, ना भी बोल नहीं सकते, ऐसा बात नहीं, पैसा भी अच्छा दिया है। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।